हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ भरत हटाल और आप सभी लोग देख रहे हैं भरत हटाल ब्लॉग्स। सो आज के इस एपिसोड पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टुलिप गार्डन, विच इज नोन एज द एशियाज लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन। तो वीडियो में बने रहे और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड विदाउट एनी डिले। अब हम पहुंच चुके हैं टुलिप गार्डन और अभी हम एंटर कर रहे हैं टुलिप गार्डन के अंदर। तो अंदर जाने के लिए आपको पहले टिकट करवाना पड़ता है। एडल्ट के लिए पर हेड टिकट 50 रुपीज का रहता है और चाइल्ड के लिए जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 25 रुपए का टिकट रहता है। सो 50 एंड 25 रुपीज इज क्वाइट गुड फॉर द विजिटर्स हियर। सो आप देख सकते हैं अभी हम अंदर आ चुके हैं। सो अब देखिए यहाँ के हसीन नजारे। कंटेंट्स लेके आए हैं। आज हम आए थे यहाँ टुलिप गार्डन जो कि काफ़ी मशहूर है। इसमें ये गार्डन में ये खासियत है कि इस गार्डन में कई तरह की वैरायटी है फूलों का और साल में ये एक ही बार होता है जो कि महीने भर तक मैक्सिमम 45 डेज, उससे ज़्यादा रहता नहीं। तो हम लोग भी यहाँ घूमने के लिए आए, कभी अच्छा लगा देख के। इतना फूल शायद आप लोगों ने भी देखा नहीं होगा पूरे भारत में जो कि श्रीनगर में होता है ये, और इसी वजह से यहाँ के इस गार्डन का काफ़ी मशहूर है टुलिप गार्डन। तो आप लोग भी आइएगा गर्मियों में अगर मौका मिलेगा तो जितना भी हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा मेरा भतीजा को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली में शेयर कीजिए
परिवार में और फ्रेंड्स को, ताकि और ये आगे नया नया वीडियो ला सके। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हम आए हैं वी ब्लॉग भरत कटाल के साथ। इस जगह का नाम है तुलिप गार्डन। और ये जो गार्डन है ये एक्सट्रीमली बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए ये गार्डन ओपन होता है। और यहाँ पे जो है ये अप्रैल फर्स्ट वीक से चालू होता है, तो अप्रैल लास्ट तक ये गार्डन रहता है। अब ये जगह की जो है अराउंड इस कश्मीर में तुलिप को विजिट के लिए अराउंड 2.5 लाख से 3 लाख पब्लिक इसको विजिट करती है। और इस गार्डन की ये खासियत है, जैसे तुलिप है, ये तुलिप हमारे इंडिया में कश्मीर में पाया जाता है मोस्टली और बहुत ही फेमस है। वो इसलिए फेमस है कि इस फूल का रुआब्जा बनता है, जो कि आपको पता ही होगा। और बहुत ही अट्रैक्टिव ये फूल होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा अच्छी लगती है और लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे आएंगे, जैसे आप मेरे बैक साइड में देखेंगे, यहाँ पे हर तरह के टुलिप्स है, मोस्टली रेड है, ऑरेंज है, वाइट है, रेड है। तो इसमें जो रेड है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। बस यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कश्मीर आओगे तो अप्रैल टू जून के महीने में ही विज़िट करना है, क्योंकि इसी पीरियड में जो कश्मीर का जो आपको जो बोलते हैं कश्मीर जन्नत है, तभी आपको ये दिखाई देगी जन्नत। ये बढ़िया सीज़न होता है इस सीज़न में आने के लिए। तो आपको तुलिप अगर कश्मीर अगर आना है तो तुलिप ज़रूर देखना है। अगर तुलिप नहीं देखोगे तो कश्मीर ही नहीं देखूंगा, जैसे मुझे लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कश्मीर की प्लान कर रहे हो आने का, तो सिर्फ अप्रैल टू जून में आओ और तुलिप 101% पक्का देखिए। ओके, बाय। और मेरी तरफ से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? यहाँ आके काफ़ी खुशनुमा मौसम है, जिसके कारण वातावरण बहुत ही बढ़िया है और महक पूरी आ रही है तुलिप गार्डन की। माहौल बिल्कुल, आदमी लोग जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरे ही महीने ही खुला रहना चाहिए। मगर ये यहाँ की खुशनसीबी है कि हमें यहाँ तुलिप गार्डन में आने का मौका मिला जी। और यहाँ के बंदे भी इतने अच्छे हैं, यहाँ के मेल मिलाप वाले काफ़ी, देखने में काफ़ी बंदे आ रखे हैं। आज तो इतनी भीड़ है कि हमें टिकट भी मिलना मुश्किल था, मगर जिस कारण फिर भी मिल गया हमें टिकट। हम जिस हिसाब से आए थे उस हिसाब से थोड़े लेट हो गए, ट्रैफिक इतना जाम था जिसके कारण हमें काफ़ी लेट आना पड़ गया। फिर भी हम पैदल यात्रा करते हुए आए यहाँ गार्डन में। टिकट काउंटर का भी काफ़ी लाइन था। यहाँ आने के बाद वो महसूस थकावट वो हमें महसूस नहीं हुआ जिस हिसाब से हम आए। अभी यहाँ इतनी हसीन मौसम है कि मैं कुछ बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता इस बारे में। तो आपको मतलब आप यहाँ आए, आपको सच में मतलब आप आके खुश हो गए? मैं भी खुश हुआ यहाँ आके, यहाँ का नज़ारा देखे, जितने प्रकार के फूल लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो आप सजेशन किसी को देना चाहेंगे कि ये मतलब घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस, जो मतलब टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनके लिए घूमने के लिए एक अच्छा मतलब जगह है कि नहीं, प्लेस है कि नहीं? यहाँ ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, साल में एक बार खुलता है। मैं सभी मेरे दोस्त जितने भी हैं जो तुलिप गार्डन में आना चाहते हैं, मैं अवश्य बोलूँगा कि वो आएँ और इस तुलिप गार्डन का नज़ारा देखें। और इतना खुशनसीब मौसम है ये कि बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार यहाँ श्रीनगर में आके तुलिप गार्डन का लुत्फ उठाएं। कहाँ बैठी हो तुम? एंजॉय कर तुलिप गार्डन, बोलो भैया।
all the preservatives also in this at all. It's basically, sir, I'll show you. ये जो भी है ना इस सब का जब हम mix करके paste बनाते ना वो ये बनता है. आप पसंद करेंगे ये लेना. So it's nothing but the mixture of this all. Yes, a paste of this. Can you please tell me what are the ingredients here? This is Kashmiri red chili, red chili. This is dried pumpkin. Yeah. Sun dried pumpkin. This is garlic, which is dried in the sun. And this is shallots, which is called pran in Kashmiri. So iska jab hum. Isn't it onions? These are like onions, but these are not onions. So it's called shallots in English. And pran in Kashmiri. Yeah. So iska jo paste hota hai, wo banata hai ye bur. What is it called? This is called bur, Kashmiri bur. Bur. My name is Shwarab. I'm the co-founder and chief marketing officer of Made in Kashmir. So we have all these products right now. We are selling apple juice. Yes. It's without sugar, without preservatives and without water. Like it's totally natural. We have just crushed the apples and put it into the bottle. So the question comes in, how do we preserve it? We preserve it through a process called pasteurization. It's a wonderful product, a best-selling product.